साईं, ये पत्र मेरी माँ को दे दीजिएगा। पता है साईं, वो लोग मुझे पागल कह रहे थे। वो लोग आपको देख क्यों नहीं सकते? क्योंकि क्योंकि तुम अंतर्मन से हृदय से पुकारते हो मुझे, और वो मुझे दिल से नहीं पुकारते, इसलिए इसलिए मैं उन्हें नजर नहीं आता। उसके विद्यालय में क्यों बुलाया आपको? कहिए ना, क्या हुआ है? या बैठे बैठे थोड़े ही पता चलेगा रुक्मिणी, वहां जाना पड़ेगा ना। हो सकता है केशव किसी संकट में हो, मैं भी साथ चलूं? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, समझी? वैसे भी तुम्हारे प्यार ने बिगाड़ दिया है उसे। मेरा पुत्र किसी भी स्थान पर समंजस से बैठा नहीं पा रहा। मेरे जाने की तैयारी करो अविलंब। देखिए कुलकर्णी सरकार, इसकी बातें सुनकर दूसरे छात्रों के अभिभावक भी डर गए हैं, कहीं ये भूत प्रेत का चक्कर ना हो। मैंने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया है, लेकिन कुलकर्णी जी, मेरे विचार में आपका बेटा अवश्य किसी मानसिक रोग से ग्रस्त है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इसी से पूछ लीजिए। इसी ने बताया कि इसका दोस्त है जो केवल इसे ही नजर आता है, और उससे मिलने ये जंगल की तरफ निकल जाता है। उसने बताया कि वो शिरडी में रहता है, वो साई। साई, आप जानते हो उस साई को? हाँ, एक है ढोंगी, गांव के बाहर रहता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं समझा दूंगा इसे। माँ, आप क्यों नहीं आए पिताजी के साथ? पता नहीं पिताजी मेरे साथ क्या करेंगे। बहिनी, ये कोई गंभीर समस्या नहीं लग रही है मुझे। केशव कभी अकेला नहीं रहा है, तो नए माहौल में ढलने की परेशानी होगी। लेकिन माँ का मन कहाँ समझे, उसकी खबर मिले तो ही मन को शांति मिलेगी। इसीलिए बच्चे को कभी माँ से दूर नहीं करना चाहिए, ना किसी आवासीय विद्यालय में, ना किसी रिश्तेदार के पास। बच्चे के लिए तो माँ के साथ से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। कैसे हो तात्या? अच्छा हूँ, और केशव भी अच्छा है। हम लोग उसे बहुत याद करते हैं, क्योंकि साई कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। साई ऐसा कहते हैं? भाई साहब का मेरे विचार से मुझे साई के पास ही जाना चाहिए, शायद वहां जाकर ही मेरे मन को थोड़ी तसल्ली मिले। ठीक कह रही है आप। हाँ हाँ, तुम लोगों की तो बहुत श्रद्धा है ना साई पर,
तुम्हें लगता है कि हर बिगड़ी को वही बना देते हैं ना? हाँ, मैंने जब भी उनसे प्रार्थना की है तभी उन्होंने तुम्हारी सुन ली है। ठीक है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जरा मैं भी तो देखूं साई तुम्हारी इस समस्या को कैसे सुलझाता है। हाँ चलिए। अब बता किससे बातें करता है तू? उसे बुला यहां पे, मैं भी देखना चाहता हूं कौन है वो बुला। हाँ है वो, उसे कहो मेरे सामने आए। केशव उसे बुलाओ। केशव मैं तुम्हारी शिक्षा पर इतना धन व्यय कर रहा हूं इसलिए साई जैसे पाखंडियों पर आस्था रखने की तू मूर्खता करता रहे इसके लिए? क्या हो क्या गया है तुम्हें केशव? और वो साई, साई तुमसे मिलने आता है हर दिन? शिरडी से यहाँ बिना रुके घोड़े को दौड़ाते हुए पहुंचा हूं तो यहाँ पहुंचने के लिए मुझे आधा दिन लगा, आधा दिन। और वो साई तुमसे मिलने आता है हर दिन? कैसे? वो शिरडी में भी रहता है, यहाँ पर भी आता है? कैसे है? दो स्थान पर एक ही समय उपस्थित रहता है साई, कैसे? भगवान है वो? ईश्वर है, सर्वव्यापी है। पिताजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं साईं के साथ बात करता हूँ। वो यहाँ मेरे पास आते हैं, मेरे लिए व्यंजन और मिठाइयाँ लाते हैं। केशव दूसरे बच्चों की तरह साहसी, निडर और शक्तिशाली नहीं है साईं। उसे वहां अगर कोई परेशान कर रहा होगा तो वो डर जाएगा, घबरा जाएगा। किसने कहा कि केशव में साहस नहीं है? उसमें शक्ति नहीं है, उसमें शक्ति है। क्योंकि शक्ति कई तरह की होती है, आस्था भी तो एक शक्ति है। केशव के हृदय में आस्था भरी है और वही आस्था उसे उन परिस्थितियों में शक्ति देती है जिन परिस्थितियों में बलवान व्यक्ति भी घबरा जाते हैं। केशव के संदर्भ में कोई निर्णय लेने से पहले हमें तथ्यों को अच्छी तरह से जांचना परखना होगा। हमको प्रमाण चाहिए। उन बच्चों की सूचना के आधार पर हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। गुरु जी, ये भी तो हो सकता है कि इस बच्चे को पहले से ही कोई मानसिक समस्या हो और उसके अभिभावक हमसे छुपाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो केशव को इस विद्यालय से जाना होगा। ठीक है केशव, मैं तुम पर विश्वास करना चाहता हूं। हाँ, मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरा पुत्र किसी मानसिक रोग से ग्रस्त है या नहीं। हाँ, अगर मैं उन्हें मन से पुकारता हूं तो वो जरूर आते हैं। रुक जाइए कुलकर्णी सरकार। हमें एक बार केशव की बात मानकर देख लेनी चाहिए। हरिओम।
जाओ अपने साई को बुलाओ, हम लोग यहीं हैं। जाओ। बुरी बात होगी कहीं का। बच्चा मिट्टी में हाथ डाल रहा है, इसे प्रवचन से फुर्सत ही नहीं है। नर्मदा से सुना था मैंने इस बच्चे के बारे में। भगवान ऐसे बच्चों को कष्ट और परेशानियां भोगने के लिए पृथ्वी में क्यों भेजते हैं? मैं घर जाकर इसके लिए कुछ भोजन और केशव के कुछ पुराने कपड़े भेज दूंगी। क्यों, भिखारी है क्या ये? किसी के उतरे हुए पुराने कपड़े क्यों पहनेगा ये? आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सत्तू की माँ उसकी देखभाल करेगी। और हाँ, आपको केशव की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण है उसके साथ। तू तो भगवान कृष्ण की रट इस तरह लगाए रखता है, इतने विश्वास से कहता है कि सभी समस्याओं का हल बस उसी के पास है। एक बात बता, रुक्मिणी के बेटे की आस्था भगवान कृष्ण पर ही है? वहां आवासीय विद्यालय में जब उसे भूख लगेगी तो क्या कान्हा खुद उसे भोजन खिलाने आएगा? जब वो संकट में होगा तो क्या वो बचाने आएगा उसे? इस प्रश्न का उत्तर तो केशव ही दे सकता है आपको। साई, साई, आइए साई, 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 साई। कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। सब आपको देखना चाहते हैं साई। केशव, मेरी बंदूक कहाँ? बंदूक लाओ। अरे घबराइए मत सरकार। देखिए वो बाघ अपने केशव के साथ कैसे चुपचाप शांत है। और देखिए केशव भी उससे बातें कर रहा है ना? मुझे तो लगता है बाघ केशव को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। केशव, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहां आता हूं, क्योंकि तुम्हें विश्वास है मुझ पर। केशव इस बाघ से बात क्या कर रहा है? लेकिन आप उन्हें दिखाई नहीं देंगे तो वो फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि वो ये नहीं समझ पाएंगे कि ये मेरे प्रति तुम्हारा प्यार है।
जो मुझे यहाँ ले आता है। उन्हें तो यही लगेगा कि ये भी कोई जादू टोना है, कोई माया जाल है। तुम्हारे पिता एक बार तुम्हें मुझसे दोस्ती रखने की सजा दे चुके हैं, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अल्लाह मालिक। मैं देती हूं उत्तर, ये देखो, देखो ये। देखे ये दाग, ये पुराने घाव के दाग है। ये घाव कैसे हुए बताओ? मेरी मन्नत पूरी करने के लिए कि मेरा बेटा ठीक हो। मैं पैरों के बल नहीं, साष्टांग प्रणाम करके कदम दर कदम पहाड़ी के मंदिर पर गई थी। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों ने यह विश्वास दिलाया था कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो भगवान मेरे शंकर को ठीक कर देंगे। और वही विश्वास लेकर मैं एक मंदिर से दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर, कदम दर कदम साष्टांग प्रणाम करके चली गई। अपने घाव ठीक होने का इंतजार भी नहीं किया मैंने, पर क्या हुआ? क्या उसने मेरे शंकर को ठीक किया? उसने मेरी सुन ली? उसे सुनाई देता भी है? क्या वो है भी? और अगर है तो उसने मेरी उपेक्षा क्यों की? मेरे ही क्यों? साई, साई, उस दिन मेरे पास कुछ भी नहीं था ना तुम्हें देने के लिए, लेकिन आज है। सत्तू को देखिए, इसे फल खाने को मिला इसलिए खुश है। इसने ये नहीं पूछा कि मैं ही क्यों। लक्ष्मी को देखिए, जब इसके सारे दोस्त सत्तू के लिए कुछ ना कुछ लाने की दौड़ में व्यस्त थे, होड़ लगी हुई थी सब में, उस समय लक्ष्मी ने यह नहीं सोचा कि मैं क्या लाऊं, क्योंकि वो जानती थी कि उसके घर में सत्तू को देने लायक कुछ नहीं है। लेकिन इससे से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे जैसे ही मौका मिला ये झट से पेड़ पर चढ़ी और सत्तू के लिए फल तोड़कर ले आई। लेकिन इसने ईश्वर से यह नहीं पूछा कि मैं ही क्यों, क्यों मैं अपने बाकी दोस्तों जैसी नहीं हूं।
अक्का जब आप दुख में थी तो आपने ईश्वर से पूछा कि मैं ही क्यों, लेकिन जब आपके जीवन के सबसे सुखी दिन थे, जब आपका विवाह हुआ था एक संपन्न परिवार में, जब आप मां बनी थी, तब क्या आपने ईश्वर से पूछा कि मैं ही क्यों? बताइए। क्या आपने कभी ईश्वर से पूछा कि क्यों आपको ही आशीर्वाद दिया, जबकि इस संसार में बहुत से लोग हैं जिन्हें औलाद नसीब नहीं है, उन्हें क्यों नहीं दी संतान? चतुआ मांगी और कबूल नहीं हुई, वो तो याद है, लेकिन उसने जो बिना मांगे दे दिया वो याद नहीं। सच तो ये है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास धन है, ये स्वस्थ देह है, फिर भी आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है। इतना प्रेम करने वाला परिवार है आपके पास, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है। मैं ही क्यों? तो क्या तू ये कहना चाहता है कि ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया उसके प्रति मैंने कृतज्ञता प्रकट नहीं की, इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ? नहीं, उसका दिल मनुष्य की तरह छोटा नहीं है कि केवल धन्यवाद ना कहने से वो किसी को दुख पहुंचाए। वो तो करुणा का स्रोत है। तो फिर तेरे इस करुणा के स्रोत ने इस बच्चे को क्यों जन्म दिया? क्या योजना है उसकी इसके लिए कि वो जीवन भर किसी का आश्रित बनकर बना रहे, किसी पर निर्भर रहे? वारे, क्या इसी को तुम करुणा कहते हो? करुणा है, बिल्कुल है, इसीलिए उसने आपको सत्तू से मिलवाया, क्योंकि सत्तू के पास मां नहीं है और आपके पास संतान। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.